Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बोलो आप योर जर्नी T20 जर्नी. मेरे को अभी किसी ने बताया भाई, you started in 2007, you won the World Cup, and you leaving the game winning the World Cup. So that's a tailor-made situation for me. Mm-hmm. Best. मतलब मैंने start किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में. पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वहां पे जीते. उसके बाद अभी ये तो फुल सर्किल, प्रॉपर सर्किल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे, दैट बिकेम वेरी वाइटल. वो अभी भी याद है. देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी हमारे मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो. तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे हमारे लिए. उस टाइम पे 140-150 एक अच्छा स्कोर होता था, तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए. एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास. तो इट वाज अ अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीजें. एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्किल, आई एम अ लाइक आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ, having played the game for so many years, so it's been brilliant. Rohit, test captain, one day captain aur T20 captain, ye zara mushkil hai bahut, kyunki har ball pe badalta jata hai. Bilkul, dekho, I think it's a big challenge to play all three formats and let alone captaining it. I think hamare liye bhi, players ke liye bhi bahut difficult hota hai quickly adapt karna. Test match jab aap khel rahe ho, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है. T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ. तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज. और कैप्टन नहीं, और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बोलर्स आते काम करते, एंड देन यू मूव वन और टू फील्डर्स हियर एंड देयर, एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर, इस बैटर को ऐसे आउट करना है. बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे ओवर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है. तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इन्जॉय किया है, कैप्टेंसी करना, बैटिंग करना. तो इट्स बीन ग्रेट. रोहित, अगर एक अलग अनुभव है, आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक अलग मजा आता है, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, उस लिहाज से वेस्ट इंडीज ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, परमानेंट लवर है. बिल्कुल. यहाँ पे देखो क्रिकेट, एक्चुअली वेस्ट इंडीज में क्रिकेट काफी माना जाता है, यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से, तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते हैं, लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट दैट इज फाइन. यू हैव टू, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट. और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मजा आता है, यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी. तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ, मैंने अपना क्रिकेट बहुत एंजॉय किया है. रोहित, अगर आप ODI वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, then would you have played this T20 World Cup ke all you keep? Abhi, I don't make decisions like this. Matlab, whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता, ऐसा कोई, ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ. मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया, आई थॉट इट इज़ द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी, एंड नथिंग बेटर देन विनिंग द कप एंड सेइंग गुड बाय. Has it sunk in? आप लोगों के लिए
जो बर्थडे गिफ्ट है मेरा वो आप लोगों ने दे दिया धोनी भाई ने। हाँ हाँ नहीं नहीं देखो यार धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को। आई एम श्योर सारे इंडियन सारे देशवासी जितने भी है यही चाहते थे कि हम कप जीते कैसे भी करके तो ये हो गया है।